हाय एवरीवन, फेस है ना काफ़ी डल लग रहा था तो सोचा चलो आज मैं क्लीन अप कर लेती हूँ। लेकिन उससे पहले है ना मैंने ये ओलिविया की ब्लीच भी की है। वैसे मैं ब्लीच बहुत कम यूज़ करती हूँ, कम से कम 6 से 8 महीने बाद एक बार ही यूज़ करती हूँ। जब भी करती हूँ ये मैं ओलिविया की ही लेती हूँ। ये काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छा ग्लो भी देती है और थोड़ी नेचुरल है तो ज़्यादा नुकसान नहीं करती है मेरे फेस पर। तो इसे मैंने 10 से 12 मिनट तक लगा के छोड़ दिया और उसे मैंने वॉश कर दिया और काफ़ी अच्छा ग्लो आ गया था उससे। फिर उसके बाद है ना ये मैंने अरोमा का जो है D10 स्क्रब लिया था। ये मैंने ना स्मीटन ऐप से लिया था, ये पैक था 3 का। इसमें 2 स्क्रब और 1 मसाज क्रीम थी। तो ये काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छे से इसने भी मेरे जो फेस को है क्लीन कर दिया था। ब्लैक हेड्स वगैरह अच्छे से रिमूव हो गए थे और बिल्कुल है ना सॉफ्ट हाथ से मसाज करनी है। उसके बाद ये मैंने अरोमा का D10 वाला मसाज क्रीम लिया और इससे है ना 5 से 7 मिनट तक मैंने अच्छे से मसाज की और काफ़ी अच्छी है ये भी क्रीम। काफ़ी हाइड्रेट कर दिया था मेरे फेस को, मॉइस्चराइज कर दिया था काफ़ी अच्छे से, तो एकदम ड्राई नहीं लग रहा था इसके बाद और काफ़ी अच्छा ग्लो भी आ गया था। और पैक में है ना इसमें मैंने ये ममा अर्थ का जो उपटन फेस मास्क है मैंने ये वाला यूज़ किया है। ये काफ़ी अच्छा है, पहले भी मैं काफ़ी बार यूज़ कर चुकी हूँ। इससे भी है ना काफ़ी अच्छा ग्लो आ जाता है। अगर आप कहीं जा रहे हो तो खाली इसे भी लगा के आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छा ग्लो देता है ये। उसके बाद ये मैंने ममा अर्थ की ही विटामिन सी जो है मास्क शीट मैंने अप्लाई की। ये मैं फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी अच्छी लगी मुझे, काफ़ी मतलब सॉफ्ट हो गया था इसके बाद भी फेस, काफ़ी मॉइस्चराइज कर दिया था इसने अच्छे से। इसको मैंने 10 से 15 मिनट तक मैंने छोड़ा था और जो भी सीरम बचा था उससे सारे फेस पे लेके अच्छे से मसाज करके उसे छोड़ दिया और आप ग्लो खुद देख सकते हो। और प्लीज़ फ्रेंड अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।